Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेंट बोटानिका के दो प्रोडक्ट्स की फुल रिव्यू. और ये तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे एंड ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड था. सो आज का वीडियो काफ़ी हेल्प होने वाला है. फर्स्ट टाइम मैंने सेंट बोटानिका के प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं. सो मेरा जो फुल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला प्रोडक्ट है देयर कॉफ़ी पील ऑफ मास्क. और ये मास्क मेन के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करेगा. वुमेन के लिए तो ये वर्क करेगा ही, लेकिन मेन ऑल्सो कैन यूज़ दिस. बिल्कुल भी हार्श नहीं है और स्किन में अगर पिंपल्स और रैशेस की प्रॉब्लम है फिर भी ये इरिटेट भी नहीं करेगा. आपको ये अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है एंड ये ध्यान में रखना है कि ये हेयर्स, आईब्रोज और अगर आप लड़का है तो बियर्ड्स या फिर मोस्टैच पे ये नहीं चिपके, क्योंकि अगर वहाँ पर ये लग जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है रिमूविंग के टाइम, शायद हेयर्स भी निकल सकता है. बट इट इज़ रियली माइल्ड. एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी. एंड आपको जस्ट इसे 15 मिनट्स के लिए रखना है. 15 मिनट्स के बाद आप इसे इसी तरीके से फेस के नीचे के तरफ से आप इसे पील ऑफ कर सकते हैं. एंड आफ्टर पीलिंग ऑफ आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे वॉश भी नहीं करना पड़ेगा. आप जस्ट देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो है. अगर लाइटिंग ठीक होती तो आप सबको पता चलता कि इट प्रोवाइड्स अ वेरी नाइस ग्लो टू योर स्किन और स्किन एकदम क्लीन कर देता है. सो ये जो कॉफ़ी पील ऑफ मास्क है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसमें कोई पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, सल्फेट नहीं है एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. इसमें कॉफ़ी, कैफीन एंड कोको बटर है, विच इज़ रियली गुड. और ये एक पील ऑफ मास्क है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई लव पील ऑफ मास्क. और यहाँ पर डायरेक्शंस भी लिखे हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या बस आपको इसे स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेस पर. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज देयर क्रीम विच इज़ विटामिन सी फेस क्रीम. और ये क्रीम काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है. बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको चाहिए, लेकिन ये फुल्ली मॉइस्चराइज करता है फेस को एंड ये नॉन ऑयली फिनिश देता है. सो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. बस हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी पैचीनेस. सो आई जस्ट लव दिस क्रीम. इसका फ्रेग्रेंस भी काफ़ी पसंद आया है मुझे. एंड लुक एट द पैकेजिंग. पैकेजिंग इतनी अच्छी है, एकदम क्लासी पैकेजिंग है. सो इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, हाइलुरोनिक एसिड है एंड ये आपके फेस को ब्राइटन करने में हेल्प करता है. दिस इज़ अ नाइट क्रीम. आप इसे रात को सोने से पहले होल फेस पर अप्लाई कर सकते हैं. मैन, वुमेन, एवरीवन कैन यूज़ दिस क्रीम. काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये क्रीम. एंड आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है और इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है. आई मीन इट्स वर्थ इट. 50 ग्राम्स का है, लेकिन अगर आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फेस जो क्लियर रहेगा, अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा. जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, डू चेक इट आउट. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय.